हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स। इलेक्ट्रॉन कितना इम्पॉर्टेंट है एटम्स के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज एंड अदर थिंग्स। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले बोथ पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज एंड वेव प्रॉपर्टीज। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को डिस्कवर किया था जे.जे. थॉमसन ने। थॉमसन ने आल्सो मेजर किया चार्ज एंड मास का रेशियो। मिल्कन वॉज एबल टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। डेविसन एंड गर्मर डिस्कवर द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट बेल लैब्स इन 1927। सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बाय जे.जे. थॉमसन एंड द वेव नेचर का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविसन एंड गर्मर के द्वारा किया गया। अगले है एटॉमिक मॉडल। सो बहुत सारे डिफरेंट मॉडल हैं जिन्होंने एटम्स को डिस्क्राइब किया है। पहला मॉडल था थॉमसन का। उनका मॉडल प्लम पडिंग नाम से फेमस है, जो 1898 में आया। रदरफोर्ड आल्सो सजेस्ट द प्लानिटरी मोशन मॉडल दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द न्यूक्लियस। बोर अप्लाइड कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन एंड आफ्टर देन रदरफोर्ड मॉडल टू डेवलप द बोर मॉडल। बोर मॉडल लास्ट 10 ईयर एंड वॉज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू मॉडल विच इज नोन एज अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, एनर्जी हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यहाँ आप देख सकते हैं वेवलेंथ शो हो रहा है। एम्पलीट्यूड वेवलेंथ ली स्पीड है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट विच इज नोन एज वेवलेंथ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। यहाँ कुछ वेव्स को लेके ग्राफ बनाया गया है। ए टाइप की वेव्स है, बी टाइप की वेव्स, उसी तरह सी टाइप्स की वेव और डी टाइप की वेव्स। ए टाइप की वेव्स की वेवलेंथ लेमडा ए, सिमिलरली लेमडा बी। लेमडा इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन वेव क्रेस्ट टू अनदर इन द another in meters। The frequency nu of wave express the number of times a wave passes a given point in some unit of time in 1 per second। The amplitude of wave is the height of the crest or depth of the true crest। इस पार्ट को true बोलते हैं। यहाँ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेंज को दिखाया है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ इन मीटर्स, गामा रेज 10⁻¹২ मीटर, एक्स रेज नियर अबाउट 10⁻¹⁰ टू रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स 10⁻²⁰ मीटर। और इनर्जी इनके रिवर्स फॉर्म में होती है इंक्रीजिंग। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की और सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रेज का। और उसी तरह से गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नेक्स्ट स्लाइड में विजिबल रेडिएशन।
विजुअल रेडिएशन में एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है जो वी विजुअल स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा होगा, जो एक तरफ वायलेट है और दूसरी तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं रेड आता दिख रहा है, और ऊपर एक रेंज दिख रही है गामा रेज एक्स रेज, वही जो हमने पिछले स्लाइड में दिखाया था, और नीचे इनके वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वन मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रॉम आवर सन्स, जो मेजर सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो हमारा सन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, दोनों ही वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी और लाइट भी। फोटोन आर द पार्टिकल्स पॉजिस बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यहाँ हमने जो दिखाया है वहाँ यदि शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो विथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बिहेवियर ऑफ वेव्स, वेव रिफ्रैक्ट और बेंट व्हेन दे पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी से वेव्स डिफ्रैक्ट या रिफ्रैक्ट होती हैं। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज इट पासस अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थ्रू नैरो ओपनिंग। जिस तरह से लाइट का डिफ्रैक्शन आप जानते हैं सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी एक वेव है, तो उसका भी डिफ्रैक्शन सेम तरीके से होता है किसी नैरो ओपनिंग से। थर्ड है इंटरफ्रेंस इज द इंटरैक्शन ऑफ वेव दैट रिजल्ट इन आइदर रेनफोर्सिंग देयर एम्पलीट्यूड और कैंसलिंग देम आउट। आप जानते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट जिस तरह से होता है वहाँ भी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनते हैं, जहाँ रेनफोर्समेंट होता है वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनते हैं, और जहाँ कैंसिल आउट होता है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होता है। यहाँ कुछ फिगर है जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव जहाँ इंटेंसिटी जहाँ ब्लैक दिख रहा है वो डिस्ट्रक्शन है, जहाँ येलो कलर से दिखाया गया वो कंस्ट्रक्टिव है। एक चीज़ और यहाँ दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में दोनों सेम नेचर की वेव्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव से जा रही हैं, देन उनका रेफरेंस रेनफोर्समेंट होता है, और वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में एक पॉजिटिव से वेव्स जा रही है और दूसरी वेव्स नेगेटिव है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और रिजल्टेंट हमें ये मिलता है। तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड रेनफोर्स हो जाते हैं। रिफ्रैक्शन, जिस तरह से प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसी तरह डेविसन और गर्मर ने ये शो करके दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है कुछ इस तरह से, जैसे वाइट लाइट में हमने देखा है विग्योर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है प्रिज्म से, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेंड लॉन्गर वंस एंड द वायलेट इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी रंग का होता है। 1927 में ऑब्जर्व किया डेविसन और जर्मर ने डिफ्रैक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। पार्टिकल नेचर जैसे थॉमसन ने बताया था, और वेव नेचर को डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मर ने। एक और एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन के ऊपर जीपी थॉमसन का, उन्होंने भी ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया जा सकता है, और जिससे हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन, यहाँ एनर्जी लेवल का डिस्क्रीट होना ये शो कर रहा है, यह क्वांटाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, डिस्क्रीट क्वांटाइजेशन
दिखाई दे रहा है, इधर के साइड में बैगनी कलर है और इधर रेड। द रेड ऑरेंज लाइट फ्रॉम हाइड्रोजन गैस पास थ्रू ए प्रिज्म फ्रॉम ए लाइन स्पेक्ट्रा। ईच डिफरेंट कलर लाइट हैज़ इट्स ओन यूनिक एनर्जी। हर कलर की अलग अलग एनर्जी होती है। सबसे कम एनर्जी रेड की होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वायलेट कलर की होती है। नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडियम। सेम वही बिहेवियर सोडियम के साथ। शॉर्टर वेवलेंथ टू लॉन्गर वेवलेंथ, वायलेट वायलेट टू रेड। यहाँ कुछ अलग अलग गैसों की स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन। हम आगे बताएंगे इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम है जैसे पीछे था। सोर्स ऑफ वाइट लाइट, सैंपल हम कोई भी यूज करेंगे। यहाँ फोकसिंग स्लिट प्रिज्म के थ्रू फिर वायलेट टू रेड। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं। कि मेसमन स्पेक्ट्रा जो ब्राइट डार्क ब्राइट लाइंस होती हैं डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सीरीज ऑफ डार्क लाइन प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्री गैसेस एटम्स आर इल्यूमिनेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें तब मिलता है जब हम फ्री गैसेस एटम्स को इल्यूमिनेट करते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन से, जिससे उसे एक्स्ट्रा एनर्जी गेन होती है और वह हायर लेवल में जाता है, इससे एब्जॉर्ब होता है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम और ये इमिशन स्पेक्ट्रम है, वायलेट टू रेड। क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम थ्योरी अब हम डिस्कस करेंगे। मैक्स प्लांक ने प्रपोज किया है कि लाइट दोनों प्रॉपर्टी रख सकता है, वेव एंड पार्टिकल। क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट क्वांटम ऑफ पार्टिकल एनर्जी। थर्ड है पार्टिकल ऑफ रेडिएंट एनर्जी आर नोन एज क्वांटा। क्वांटम थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटिंग इन द डिस्क्रीट क्वांटा, लाइक ई इक्वल टू एच न्यू वन, एच न्यू टू, एच न्यू थ्री, एच न्यू क्वांटाइज्ड, दैट इज इन क्वांटम फॉर्म। समथिंग दैट इज क्वांटाइज्ड has value that is restricted to whole number multiples of a specific base value, that is n equal to 1 to 3 dot dot dot. The energy of quantum of radiation is equal to h nu, where h is the Planck's constant, which has the value 6.6 into 10 power minus 34 joule second. और एनर्जी को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। पार्टिकल नेचर, ईच पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी कॉल्ड ए क्वांटम। आइंस्टीन कॉल्ड दिस पैकेट्स फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर शो करने वाला एक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है, जब कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब हम यूवी लाइट को किसी मेटल के ऊपर गिराते हैं तो वो हीट होता है और हीट होने के साथ साथ इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। वो जो यूवी लाइट होती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में इंसिडेंट होती है, देन इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जोहान्सबर्ग रिडबर्ग रिवाइज्ड बॉमर इक्वेशन टू डिस्क्राइब द कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
एंड दिस इज़ द फॉर्मूला 1/λ इक्वल ये रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 1.0097 × 10⁻²⁺ नैनोमीटर माइनस 1/N1² माइनस 1/N2² वेयर N1 इज द होल नंबर दैट रिमेन फिक्स्ड फॉर अ सीरीज ऑफ कैलकुलेशंस इन विच N2 इज ऑल्सो ए होल नंबर विद वैल्यूज N+1, N+2 फॉर सक्सेसिव लाइन इन द स्पेक्ट्रम लाइक लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुल फॉर एग्जाम्पल वॉट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू N=1, N=2, N=4 तो इसे आप कर सकते हैं उसी फॉर्मूले में रख के। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन के बारे में बोर ने भी बताया था, द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में डिस्क्रीट एनर्जी रखता है और अलग अलग एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन मे मूव बिटवीन द एनर्जी लेवल्स बाई आइदर एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है अपनी एनर्जी लेवल्स में, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, एब्जॉर्बर टू एब्जॉर्ब और इमिट करके। इस एनर्जी लेवल इज डिजाइनेटेड बाई स्पेसिफिक वैल्यू फॉर एन कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नील बोर ड्राइव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द फॉस्फेर एनर्जी ऑफ इतना फॉर एनी फेडरल एनर्जी लेवल। बोर्स का थर्ड फार्मूला, बोर्स ने फर्स्ट फार्मूले में बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, और दूसरे में उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता बल्कि एक निश्चित ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है जिसकी एंगुलर क्वांटम नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक कांस्टेंट हो। एंड द थर्ड रूल इज दिस, डेल्टा ए इक्वल दिस मच 2π² m e^4/h² वेयर एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड N1 and N2 इज़ द क्वांटम नंबर ऑफ लेवल्स। एम एंड ई इज़ द मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ द स्पेक्ट्रम। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती हैं, बामर सीरीज विजिबल में मिलती हैं एंड पाशन सीरीज इंफ्रारेड में। अदर सीरीज भी हैं ब्रैकेट एंड फोन, वो भी इंफ्रारेड सीरीज में ही मिलती हैं। लाइमन सीरीज हमें तब प्राप्त होती हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करके ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब N=1। और बामर सीरीज तब मिलती है हमें विजिबल रीजन में जब इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेट में आता है। इसी तरीके से आगे हैं, एन एनर्जी लेवल इज एन अलाउड स्टेट दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन एन एटम। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम अपर टू लोअर। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, द लोवेस्ट एनर्जी लेवल अवेलेबल टू एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट होती है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होती है। एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज एनी एनर्जी स्टेट अबव द ग्राउंड स्टेट। क्लियर? एक्साइटेड एंड रिलैक्स्ड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ बोर मॉडल एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन लुक लाइक दिस। दिस इज एब्जॉर्प्शन, हियर इज इमिशन। एब्जॉर्प्शन में देख रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रिलीज, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, हायर ऑर्बिट में जाता है। और इसका रिवर्स, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता हुआ लोअर ऑर्बिट में आता है।
excited and released electron. Electron move between energy levels by absorbing and emitting energy in the form of light. This is ground state, absorb energy, and then in the next level released energy down higher level to lower level. We call the lowest energy level the ground state, the higher energy level is called the excited state. Problem with the Bohr model. कुछ समस्याएं रही बोर मॉडल के साथ. पहला ये, द बोर मॉडल अप्लाई ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन एटम्स, दैट इज लाइक हाइड्रोजन. एंड फॉर अदर एलिमेंट्स दिस थ्योरी फेल. द बोर मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स और आयन्स. The moment of electron in an atom is much less clearly defined than Bohr allowed. Particles or wave. In electromagnetic radiation we have as a particle. So they probably ne socha kyun nahi, agar particle motion mein ho to kya electron bhi behave kar sakta hai wave ki tarah. उन्होंने एक रिलेशन दिया, लेमडा इक्वल एच अपॉन एम यू, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव कुछ इस तरह से शो होता है. वन हाफ वेवलेंथ फॉर एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, टू हाफ वेवलेंथ मीन्स वन वेवलेंथ, एन इक्वल टू थ्री, थ्री हाफ वेवलेंथ, एन इक्वल टू टू एंड हाफ, टू एंड हाफ वेवलेंथ. यानी जितना n इक्वल टू वन है, जितना n है उतना ही हाफ वेवलेंथ हमें प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन की एज ए वेव. द प्रॉब्ली रीजन दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम कुड बिहेव एज ए सर्कुलेटिंग वेव अराउंड द न्यूक्लियस. इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ कंटिन्यूअस मैनर, द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाई ए क्वांटम नंबर n. Uncertainty principle Heisenberg ने दिया था. The quantum mechanics allows us to predict the probability of particle where we can find an electron. तो uncertainty से कुछ मतलब ये है कि हम यहाँ particles को find करने के बारे में सोचते हैं, और particle quantum mechanically uncertain होता है. अगर हम उनकी position बता पाते हैं तब तक उसकी स्थिति change हो जाती है. पोजीशन बता पाते हैं तब तक वो अगली पोजीशन तक चला जाता है. और मोमेंट होने की वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है. तो हम किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते. एंड दैट्स वाई द किसी भी पार्टिकल्स की हम पोजीशन और उसका मोमेंटम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते. यही हाइजेनबर्ग का सर्टेनिटी प्रिंसिपल है. इसमें हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, और अगर हम किसी एक को एग्जैक्टली मेज़र कर पाते हैं तो दूसरे के बारे में, अगर हम पोजीशन को एग्जैक्टली मेज़र कर पाए तो मोमेंटम के बारे में बिल्कुल अनसर्टेन हो जाएंगे, और अगर मोमेंटम को बता पाए एग्जैक्ट तो पोजीशन के बारे में अनसर्टेन हो जाएंगे. इसे हम देख भी सकते हैं, जो दे ब्रॉगली का रिलेशन था, लैम्डा इक्वल एच एच अपॉन एम बी, रिलेशन है. हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट यू कैन नॉट डिटरमाइन द पोजिशन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन. The description of the behavior of particle as wave is called the wave mechanics or quantum mechanics, and this mechanics was detailed in detail explained by Schrodinger. Which is known as wave mechanics, also quantum mechanics.
The mathematical description of an electron wave is called the wave equation. Like प्रोग्रामी तरंगे आपने पढ़ा होगा लाइट के लिए, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वेव का वेव इक्वेशन होता है. वेव इक्वेशन और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स एज दे वेरी विथ लोकेशन एंड विथ टाइम. क्वांटम नंबर्स, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इंडिकेट द सेल एंड रिलेटिव साइज ऑफ द ऑर्बिट एस. यस ऑफ कोर्स सब सेल. द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल इज एन इंटीजर फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1. इट डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल और सब सेल. एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर. एल की वैल्यू को हम स्पेसिफाई करते हैं कुछ इस तरह, एस के लिए एल की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, T के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए 3 एंड सो ऑन. G की वैल्यू G के लिए 4 एंड H के लिए 5. क्वांटम नंबर्स, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम डिनोट करते हैं ML से, विच इज़ एन इंटीजर एंड इट हैज़ द वैल्यू माइनस L टू प्लस L. इट डिफाइन द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. द स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MS इज टू अकाउंट फॉर द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन. तो हर इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन होती है, प्लस हाफ है माइनस हाफ. क्वांटम नंबर्स N is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number, magnetic quantum number. For N equal to 1, L equal to 0, ML equal to 0, orbital एक ही मिलेगा. N equal to 1, 0, N equal to 2, L की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, ML का मान होगा 0 के लिए 0, 1 के लिए माइनस 1 टू प्लस 1, एंड 3 ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे. फॉर एन इक्वल टू 3, एल की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 और ML करिस्पॉन्डिंग टू 0, 0 करिस्पॉन्डिंग टू 1 माइनस 1 0, 1 एंड करिस्पॉन्डिंग टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और ऑर्बिटल 1, 3, 5. सिमिलरली फॉर एन इक्वल टू 4, पॉसिबल वैल्यू ऑफ L 0, 1, 2, 3, ML की वैल्यू है फॉर Z 4, 0, 0, 4, 1, माइनस 1, 2, 1 एंड 4, 2, माइनस 2, 2, 2 एंड 4, 3 एंड ऑर्बिटल नंबर 1, 3, 5 एंड 7. प्रैक्टिस है, कर सकते हैं खुद से. व्हाट आर द लेटर डिजिग्नेशन ऑफ ऑल द सब सेल इन द एन इक्वल टू 5 एनर्जी लेवल्स और सेल्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एन इक्वल टू 5 सेल्स. तो इसे भी आप खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. धन्यवाद.